आज का ये प्रेस वार्ता तीन विषयों के लिए आयोजित है। एक तो आप लोगों के माध्यम से हमारी पार्टी सरकार को आगाह करना चाहती है कि 1 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ कर रही है सरकार, तो 1 दिसंबर से धान खरीदी की ठीक से व्यवस्था हो जाए, किसानों के पास न बारदाना की समस्या रहे, न पंजीयन की समस्या रहे। जिस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को किसी तरह से दिक्कत नहीं आती थी, ऐसी व्यवस्थाएं सरकार करे, ये आप लोगों के माध्यम से सरकार से हम लोग मांग करते हैं। और दूसरी जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, जो गरीबों के सिर में छत हो और 2022 तक हर गरीब को आवास मिल जाए, इसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी की भी है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के 11 लाख ऐसे गरीबों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम यहाँ की सरकार अपना राज्यांश राशि नहीं लेकर कर रही है, जो कि बहुत बड़ा गरीबों के साथ अन्याय है। इसकी भी व्यवस्था ही सरकार दुरुस्त करे, ये भी आज की इस प्रेस के माध्यम से मांग करते हैं। और तीसरा विषय है रेडी टू ईट का निर्माण। हमारे प्रदेश की महिला स्व सहायता की 21,000 से ज़्यादा बहनें माताएं करती थी, उसको भी ये सरकार उनका काम को छीनकर कृषि विभाग को देने जा रही है। और ये सरकार रोजगार देने की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो ये कहाँ का महिलाओं के साथ न्याय की बात हुई या उनके सशक्तिकरण की बात हुई? उल्टे 21,000 महिलाओं को ये बेरोजगार करने का काम ये सरकार कर रही है। और आप लोगों के माध्यम से सरकार से भी मांग करते हैं कि तत्काल अपना वो तुगलकी आदेश को निरस्त करें और फिर से 11,000 से ज़्यादा महिला स्व सहायता की जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको रेडी टू ईट निर्माण का काम दे। आज ये 3 विषय प्रेस वार्ता के थे जी।